بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العظيم مسابقة القرآن الكريم کی اس روح پرور اور پاکیزہ مجلس میں شہر گودھرا کے غیرت مند غیور زندہ دل اور نیک جذبات کے حامل میرے بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو مسابقۃ القرآن الکریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق سے نوازا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی مجلس کا انعقاد، ایسا خوبصورت نظام، وہ کوئی ایک دو روز کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ نہ معلوم اللہ کے کتنے نیک بندے اپنے کیسے پاکیزہ جذبات کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جڑے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمیں بتلایا گیا کہ ہماری یہ مسجد اور اللہ کا یہ قدیم گھر جو بہت برسوں پہلے تعمیر ہوا، آج اس کو جس انداز سے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، شاید اس سے پہلے یہ سنوارنا اور سجانا شاید نہیں رہا ہے، یہ کسی نے ہمیں بتلایا، بہت مبارک ہو۔ یہ دراصل قرآن کریم سے محبت کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم کی اس محفل کا قلوب میں اس کی کیسی عظمت ہے، کیسی قدر و منزلت ہے، یہ ساری اس کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منتظمین بہت سی مرتبہ جان کھپانے کے باوجود بہت سی تان تشنی کے بھی شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو منتظمین ہیں انہیں روز اول سے اپنے ضمیر پر یہ لکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ کسی بھی قوم کے خدام کو بہت سی خدمات کے باوجود اور اخلاص کے ساتھ خدمات کے باوجود بہت کچھ کروی کسیلی سننی پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں بھی اس کا بھی بہت بڑا صلہ اور اجر ہے۔ کسی نے ایک جملہ، ایک شعر بہت اچھا کہا تھا، منتظمین اگر اس کو یاد کر لیں گے تو شاید انتظام میں انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک شاعر کہہ رہا ہے، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامِ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامِ اعمال میں، پھر کیا ہوا، وہ کمی کیسے پور ہوئی؟ شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی، اس نے بھرپائی کر دی کمی کی۔ ہوتا ہے ایسا، بہت بہت پاکیزہ قلوب مجمع ہے ماشاءاللہ،
आप हजरत ने जिन मोहब्बतों से हमें नवाजा है, हम आपके अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से आपकी कदर करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे जिन अजीज़ों ने अभी मुसाबक़तुल क़ुरान करीम के उन्वान से शिरकत फरमाई और अपनी तवील अरसे की काविशों का बहुत अच्छा नमूना इस मजमे में आके पेश किया है कि ये नौ उम्र बच्चे फिर दर्जात हिफ्ज़ में रहते हुए इनके तलफ़ुज़ में ऐसा काबिल क़द्र निखार ये गले लगाने वाला था। फिर इसके साथ साथ दर्जात हिफ्ज़ के बच्चों के गले थके थकाए होते हैं, उनके गले आजीज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये घुदरा है और माशाल्लाह घुदरा के लोग मेहनत जफाकशी पसीना बहाना जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मुबारक फरमाए। इन बच्चों को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर से ऐसे अच्छे हीरों की उम्मीद बरसों से की जा रही थी कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हीरे मौजूद हैं जो मार्केट में जाके अपना बहुत अच्छा दाम पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अव्वल तो ये हीरे अपनी कीमत खुद समझें और फिर इसको बहुत अच्छे कारीगर मिल जाए जो इसकी बहुत शानदार घिसाई और कटाई छटाई करे, तो ये हीरे मार्केट में मतलूबा दाम पा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थुम अल्हम्दुलिल्लाह। इनके असातिदे कराम ने वाकईतन इनकी अच्छी कटाई छटाई की थी, ये बहुत मेयारी अंदाज में तिलावत कर रहे थे। वल्लाहु आलम, हमारे हकम हजरात शायद अपने आप को किसी परेशानी में ज़रूर महसूस किए होंगे कि कैसे नंबरात दिए जाएं, बहुत उम्दा तिलावत कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हमें दो चार बातें यहाँ समझने की ज़रूरत है। आप में बड़ी अच्छी सलाहियत है, लेकिन यहाँ का एक अलमिया ये है कि आपके यहाँ शायद पान की ज़्यादा आदत है, पान ज़्यादा खाया जाता है। कलकत्ता से शायद बड़े कंटेनर भर के यहाँ आते होंगे पान, और फिर ये नई दुनिया है, वो पान की इतनी सारी मेहनत कौन करता है। एक पुरिया मिलती है जो पान का मज़ा दे दिया करती है गुट का, तो कहा उससे भी काम चला लेते हैं। बच्चों, हमें ये समझने की ज़रूरत है, आप दुनिया के जितने बड़े बड़े गलोकार लोग हैं, खुशिलहान लोग हैं, आप उनकी ज़िंदगी पढ़िए। यानी ये सिर्फ नहीं कि कुरान करीम के बहुत उम्दा तिलावत करने वाले हसीन आवाज़ों के हामिल कुर्रा, सिर्फ ये नहीं, दुनिया में जितने गवैये हैं और जितनी मुगन्निया हैं, आप अगर उनकी सवानह पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ होगा कि उन्होंने कुदरत के इस अतीये की कैसी कदर समझी और ज़िंदगी तक ऐसी चीज़ों को जहर ख्याल किया। आप पढ़िए, हम अभी नाम नहीं दे रहे हैं मजमे में, लेकिन आप पढ़िए। गुजराती का एक शायर कहता है, इंग आमली, इंग मरचू आमली, तीन इंग मरचू आमली, सोपारी ने तेल, पांच चीजें हो गई। पान में चौथी चीज होती है सुपारी, छाली कहते हैं उसको। इंग मरचू आमली, सुपारी ने तेल, जो कोई गाऊ हो तो आप पांच ने मेल, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं लोग। हमारे इन बच्चों के जमीर पर हम ये बातें लिखना चाहते हैं कि बच्चों, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कुछ पाना चाहा है और बिला खोए कुछ पा लिया हो। जो लोग बहुत कुछ पाने का अज्म रखते हैं, वो खोने की हिम्मत भी रखते हैं।
ये समझने की ज़रूरत है। वो खोने की हिम्मत रखते हैं। आप अजीज़ों से हमारी ये दरख्वास्त है, क्या आप गोधरा की इस फिज़ा में खो नहीं जाएंगे आप, बल्कि आप उन कुर्रा की फिज़ा में अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए जिन कुर्रा ने अपने गलों की हिफाजत करके और अपनी किरातों को सवार कर और हसीन बना कर सिर्फ दुनिया से कीमत नहीं पाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कान भी उनके यहाँ लगे हैं। अल्लाहु अशद्दु अज़नन लिर्रजुल हसनि सौत बिल कुरआन। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक बात तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप भी उन सारे खानों का शौक रखेंगे जिसका दुनिया शौक रखती है, तो याद रखिए खुश इल्हान कुर्रा की फहरिस्त में आप कभी भी अपना नाम दर्ज नहीं करा सकेंगे, कभी नहीं करा सकेंगे। ये दोनों कभी मुमकिन नहीं हो सकता। नंबर दो, आप तदवीर पढ़ रहे थे। आप जानते हैं कि तदवीर न तरतील की तरह इत्मीनान की तिलावत है और न हदर की तरह तेज़ रफ्तारी की तिलावत है। मयाना रवि, दरमियानी अंदाज, दरमियानी स्पीड और रफ्तार से पढ़ने को तदवीर कहते हैं। तदवीर जहां रफ्तार की मयाना रवि और एतदाल और दरमियानी रविश चाहता है, वहां आप जब मजमे में आकर अपनी तदवीर की इब्तिदा करेंगे तो वहाँ भी आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके गले की जो सतह है, सतह का जो आखिरी दर्जा है, वहाँ पहुँच कर कभी भी तदवीर की इब्तिदा नहीं किया करते। तरतील के लोग रफ्ता रफ्ता ऊपर जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग तदवीर पढ़ना जानते हैं और बहुत अच्छी तदवीर वो अपने पास रखते हैं, वो इस गुर को समझते हैं और उन्हें ये नज़ाकत मालूम है कि साहिबे तदवीर अगर एक मर्तबा ज़ोर से शुरू कर दिया, अब उसके पास ऊपर जाने की सकत नहीं रहती है। बाकी असहाबे तरतील के यहाँ मौका होता है कि वो अगर एक मर्तबा अपने गले की सतह से ऊपर चला गया तो दूसरी आयत में फौरन नीचे आ जाता है, फिर एक दो तीन आयतें नीचे आके पढ़ लेता है, और फिर जब ऊपर जाता है तो ख्याल रखता है कि पिछली गलती को दोहराएंगे नहीं। लेकिन असहाबे तदवीर के यहाँ इसका मौका नहीं हुआ करता है। इसलिए हम बच्चों को ये बातें समझने की ज़रूरत है कि आप तदवीर जब पढ़ रहे हैं तो इब्तिदा थोड़ा नीचे रह कर करें। अब एक मसला तो ये है कि गला अपना मिजाज बदलता रहता है, गला हमेशा एक मिजाज का नहीं रहता है। कभी गला बहुत अच्छा है तो कभी गले को कोई आरिजा पेश आ जाता है, कुछ खा पिया लेता हो, कोई बीमार हो जाता है, कभी बहुत जो चीख लिया होता है, तो गले को कभी कोई आरिजा पेश आ जाता है, तो गले का वो मौसम और वो मिजाज नहीं रहता है। अब अगर हमने जब मजमे में आकर तिलावत शुरू किया उस वक्त गले के मिजाज का ख्याल नहीं रखा, तो हम अपने प्रोग्राम में जैसी कामयाबी चाहते हैं और नतीजे की जैसी बेहतरी चाहते हैं, नतीजा ऐसा बेहतर नहीं आ सकेगा। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है कि तदवीर थोड़ा दरमियान, न तो उसका ज़ोर से और न बिल्कुल आहिस्ता। तदवीर जब नाम है रफ्तार में दरमियाना रवि का, तो सऊती जहर में भी दरमियाना रवि होनी चाहिए। नंबर तीन, तदवीर थोड़ी सी रवानी से होनी चाहिए। जो लोग तदवीर जानते हैं उन्हें ये बात मालूम है कि तदवीर के हुस्न के जहाँ बहुत अज्जा हैं, एक कारी बहुत अच्छी तदवीर पेश करता है, उसको लोगों ने क्यों पसंद किया, तो उसकी किरात की पसंदीदगी और उसकी जाजिबियत कई वजूहात से हुआ करती है। उसके कई अज्जा हैं, कभी उसका गला बहुत उम्दा है तो पसंद आ जाती, कभी लहजा बहुत उम्दा है। तदवीर की खूबसूरती के अज्जाए मुख्तलिफा में से रवानी मुस्तकिल एक बहुत इम्तियाजी जुज़ है। रवानी ये तदवीर की खूबसूरती का इम्तियाजी वस्फ और इम्तियाजी जुज़ है।
लिहाजा हम इसकी कोशिश करेंगे कि आइंदा हमारी तदवीर थोड़ी रफ्तार से हो। ये आप बच्चों के लिए जो चीज़ें हमें बेहतर मालूम हो रही थी, तबीयत में आया कि भाई इन बच्चों को सुना दिया जाए, इंशाल्लाह इनके काम की ये बातें हैं, अल्लाह करे हमारे बच्चे खूब तरक्की करें और ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे। देखिए खैरुल अमल मा दीम अलैह, कुछ रोज़ जज्बे में आकर काम कर लिया वो काफ़ी नहीं हुआ करता है। आपने अगर अपनी मश्क का ये तसलसल बाकी रखा, अगर आप इसी तरह लगे रहे तो इंशाल्लाह थुम्मा इंशाल्लाह एक मौका आने वाला है जब बहुत से कान आपके लिए तरसते होंगे, बहुत से कान तरसते होंगे। हमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि कान का ये तरसना कोई नई चीज़ नहीं है, कानों का ये तरसना नई चीज़ नहीं है। बहुत उम्दा और जाजिद अंदाज में कुरान करीम की तिलावत का शौक़ ये कोई नया शौक़ नहीं है, ये ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बल्कि हम आपको एक अजीब बात बतलाएं, देखिए अरबी किताबें सारे लोग पढ़ते हैं, यहाँ इल्म ज़ुमरा जानते हैं, चाहे वो कुतुब अहादीस हों, कुतुब फ़िक़ा हों या अरबी अदब की किताबें हों, अरबी किताबें सारे लोग पढ़ते हैं। क्या वहाँ गुन्ना मद है? कुतुब अरबिया की इबारत खानी में गुन्ना मद नहीं है, वहाँ गुन्ना भी नहीं है, इख़फ़ा भी नहीं है, मद भी नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन कुरान करीम में नुज़ूल से है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको लेकर तशरीफ़ लाए तो आपने जहाँ मद था वहाँ मद भी फरमाया, जहाँ गुन्ना है वहाँ गुन्ना भी फरमाया। ये गुन्ना है, ये मद है, ये है क्या चीज़? ये किरात की खूबसूरती का, किसी किरात को खूबसूरत बनाने के लिए, अभी आप देख रहे थे कि हमारे बच्चे जब अपनी तदवीर में किसी जगह मत पाए थे तो वहाँ उसको बहुत खूबसूरत बना, वो बहुत अच्छे अंदाज से उसको लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये उम्मीद बन रही थी कि मत के लहजे की ये जाजिबियत इनको उम्दा नंबर दिला सकती है, इसलिए वो मद में अच्छी कोशिश कर रहे थे। तो कुरान करीम में ये मुदूद और ये गुन्ने वो सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती के लिए और नुज़ूल से ये रहा है। उम्दा किरात, अजीब बात अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि पांच नमाजों में से तीन नमाजें जहरी हैं, पांच नमाजों में से तीन नमाजें जहरी हैं, और उसमें मुक्तदी से ये कहा गया कि खामोश आप सुनते रहिए। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हिकमत के तौर पर ये लिखा है कि शरीयत ये चाहती है कि एक बहुत अच्छा खुश अदा खुश इल्हान इमाम अल्लाह के कलाम को जब बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ेगा तो कुरान किस तरह पढ़ा जाता है मुक्तदियों को इससे तालीम होती है। तो शरीयत इसकी तालीम देना चाह रही है, इसलिए शरीयत ने तीन नमाजों में जहरी किरात रखी और मुक्तदी से खामोशी को कहा गया कि खामोश रहेंगे। इससे भी मालूम हुआ कि इमाम खुश अदा और खुश इल्हान होना चाहिए, जब शरीयत का मंशा ही ये, शरीयत का जब मंशा ही ये है तो इमाम खुश अदा भी होना चाहिए, खुश इल्हान भी होना चाहिए। और मेरे भाइयों, इतना बड़ा मजमा बेहतरीन किरातों को सुनने के लिए हम देख रहे थे कि बहुत पुरसुकून अंदाज में बड़े सलीके से बहुत देर से यहाँ जमा है। ये वो चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ हमारी आपकी कदर व मंजिलत को बढ़ाएं, इससे अल्लाह का कुरुब नसीब होता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि इसका शौक आपको भी रहा है। मुस्लिम शरीफ में हजरत हफ्सा रदी अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साल पहले हमने देखा कि रात के आखिरी हिस्से में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को ऐसा ठहर ठहर कर तरतील के साथ तिलावत फरमा रहे हैं कि एक छोटी सी सूरत को ख़त्म करते करते इतनी देर हो जाती है जितनी देर के एक तवील सूरत को ख़त्म करने में हुआ करती। और फतहुल मुल्हिम में
हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा कुरान करीम को ऐसा ठहर ठहर कर इत्मीनान से तिलावत फरमाते कि आपकी तिलावत कान यमुद्दु मद्दन, लंबा करके तिलावत हुआ करती। लंबा कैसे होगा भाई? जाहिर बात है, एक मद है दो अलिफ का भी होता है, एक मद पांच अलिफ का भी होता है। दो अलिफ मद करने में छोटी सूरत मुख्तसर वक्त में ख़त्म हो जाती है, और पांच अलिफ मद करने में छोटी सूरत भी लंबी मालूम होती है। कुछ कुछ अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें यही नहीं मालूम है कि ये तरतील कोई नई चीज़ नहीं है, ये ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। हमारे फुकहा ने, हमारे मुतकद्दिमीन कुर्रा ने किरात के तीन दर्जे बरसों से बयान किए, और इसी वजह से मुदूद की मिकदार जब बयान की जाती है तो तूल, तवस्सुत और कसर, ये तूल तरतील की मिकदार है, तवस्सुत तदवीर की मिकदार है, और कसर ये हदर की मिकदार है। ये समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि असहाब तदवीर को इसका भी ख्याल रखना होगा कि वो जब तदवीर पढ़ रहे हों और जब तूल का मौका आएगा या वो मद आएगा जो तूल चाहता है, तो उन्हें चाहिए कि वो तूल तीन अल्फी लेकर चले। वहाँ तूल पांच अल्फी नहीं किया जाता है, पांच अल्फी तूल जो है वो तरतील के लिए हुआ करता है। खैर, ये तो खास दर्सगाह की बातें हैं। मेरे भाइयों, हज़रत आमश रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं, कूफा के बड़े इमाम गुजरे। कितने बड़े इमाम? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिन तीन बड़े कुर्रा से किरात की सनद हासिल की है, उसमें जहाँ एक नाम इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह का है, एक नाम इमाम अबू अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला उनका एक नाम है, वहाँ एक नाम हज़रत आमश का है। तो किरात में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत आमश के शागिर्द हैं, उनसे सनद रखते हैं। ऐसे इमाम आमश जो ख़ुद बहुत बड़े दर्जे के कूफा के कारी हैं, इमाम फिल किरात हैं, वो फरमाते हैं कि ये यहया इब्ने वस्साब कुदरत ने इनको इतनी खूबसूरत आवाज़ दे रखी है, काना मिन अहसनिन नास सौतन, कि उनकी आवाज़ बहुत उम्दा थी। और फिर वो फरमाते हैं कि जब वो उम्दा आवाज़ में तिलावत करते, रुबमा इश्तहई तो अन उकब्बिला रअसहु लिहुस्न क़िराअति, कहा बाज़ मतों वो इतना उम्दा कुरान करीम तिलावत करते अपनी हसीन आवाज़ में कि जी चाहता था कि वो खड़े होकर उनकी पेशानी पर बोसा दे दे। तो उम्दा किरात का शौक़ ज़माने से रहा है, सरकार को भी रहा, हज़रात सहाबाए किराम को। पढ़िए, इतनी बड़ी फहरिस है, ज़किरना रब्बना या अबा मूसा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा नहीं, बार बार, बल्कि एक मरतबा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, और आपके यहाँ ये शिकायत पहुँची कि ये अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के आखिरी हिस्से में, वो बल्कि रात के अंधेरी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर ऐसी तिलावत करते हैं कि बहुत से सोए लोग जो हैं वो बेदार हो जाते हैं, और उनको उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है, वो हाँ के जमा हो जाते हैं, ये सोने नहीं देते हैं लोगों को, इनसे इनको मना कीजिए। चुनांचे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, हम देखते हैं। फिर एक मरतबा रात में आप खुद तशरीफ़ ले गए, और तन्हाई में, अंधेरे में, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम नहीं है कि उमर फ़ारूक हमें सुन रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको सुना, आपकी तबीयत पर ऐसा असर हुआ कि मना करने को तो कुजा। जब सुबह मजलिस हुई तो हज़रत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम में से जिससे बन पड़े या अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदाज़ में तिलावत किया करें। ये वो तिलावतें होती हैं कि जिससे कुलूब भर आते हैं, अल्लाह ताला की याद से कुलूर का मामूर होना मालूम होता है, ऐसा लगता है कि आदमी अल्लाह की याद में डूब गया है। ये शरीयत का मंशा है, अल्हम्दुलिल्लाह थुम अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह हुई कि हमारे अकाबिर अस्हाबे मारिफत अउलिया हज़रत मौलाना
मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक लिखा है। उनके साहबजादे मौलाना मिन्नतुल्लाह मुंगेरी ने यह वाकया बयान फरमाया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में ऐसा होता था कि वो जब कोई बहुत खुश इल्हान कारी आया करते तो कहा कि तिलावत कीजिए। चुनांचे एक मतवा का वाकया बयान हुआ कि हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, उनको रात में अपने यहाँ ठहरा लिया। जब सुबह खानका का वक्त हुआ, फजर की नमाज के बाद जो है वो सारे लोग जमा हो गए, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि कैसा कुछ कुरान सुनाइए। हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने एक रुकू की कुछ इस अंदाज में तिलावत फरमाई कि उनका हाल बदल गया, उनकी दुनिया बदल गई। चुनांचे जब वो रुकू ख़त्म किया है तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़रा और आगे एक रुकू और सुनाइए। इधर नाश्ते का वक्त हो रहा है लेकिन कल साहब से कहा जा रहा है कि और सुनाइए। हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फिर क़िराअत शुरू की, वो ख़त्म हुई का और पढ़िए। मौलाना मिन्नतुल्लाह मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान फरमाते हैं कि नाश्ता तो कुजा, सुबह 12 बज गया लेकिन चाय की नौबत नहीं आई और ये किरात सारे लोग सुनते रहे। हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और आप मुख्तारात पढ़ते हैं, हमारे मदारिस में मुख्तारात पढ़ाई जाती है, आप पढ़िए मुख्तारात में रहलत इब्ने जुबैर अल अंदलुसी। इब्ने जुबैर अंदलुसी, अंदलुस असल तो उसका तलफ़ुज़ है, हम लोग अंदलुस बोलते हैं, अंदलुसी। तो ये इब्ने जुबैर अंदलुसी की एक किताब रहलत इब्ने जुबैर, उसके हवाले से मुख्तारात ने नकल किया। इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, मारिफत में जिनको बहुत बड़ा मकाम हासिल था, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मामूल ये था कि जब वाज व नसीहत की मजलिस होती तो मजलिस से पहले उनके यहाँ एक कारी ने लिखा है मिन नीफ्यू वाइश्रीन, 20 से ज़्यादा कुर्रा यके बाद तिलावत करते थे, 20 से ज़्यादा कुर्रा। ये असहाब मारिफत की यहाँ रहा है कि उम्दा पढ़ने वालों को सुनकर अल्लाह की याद में डूब जाने का सबने शौक रखा है। ये बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह ये सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, अल्लाह इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखे। आप इसमें खूब आगे बढ़ें और आपका शौक कभी थकने न पाए। और यहाँ के जवानों से जो उम्मीद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आवाज़ है, मेहनत है और जो है वो तबीयत मुनकाद है, मानने की तबीयत है, इताद है, आप में तवाज़ू है, सादगी है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी बहुत अच्छी तरक्की दिला सकती है। अल्लाह करे ये सारी नेमतें जो आपके हिस्से में आई हैं वो बहुत उम्दा मुसमिर साबित हो, फलावर साबित हो, बहुत अच्छा नतीजा इससे मुरतब हो। हम यहाँ के अरबाब इंतज़ाम को, हज़रात असातिदे किराम को और आप अजीज़ों को दिल की बहुत गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें ये अंदाज़ नहीं था कि दर्जात हिफ्स के बच्चे भी माशाल्लाह इतनी उम्दा किरात कर सकेंगे, मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी तरह जिन अजीज़ों ने आज, शायद 9 अजीज़ थे, 9 बच्चों ने कुरान करीम के हिफ्स की तकमील फरमाई है, ये बच्चे भी गले लगाने के काबिल हैं, उनके अलिया को और जो है वो जो लोग अल्लाह के बहुत बंदे में, हम देख रहे थे कि इनामत का सिलसिला था, जिंदा दिली थी माशाल्लाह, इनामत का सिलसिला था। भाई अल्लाह का जो भी बंदा इस राह में जो कुछ लगाएगा उसका बहुत अच्छा सिला दुनिया में भी पाता है और आखिरत में भी पाता है। या तो आपके औलाद में अल्लाह ताला इस तरह के लोग पैदा फरमाएंगे या आपकी नस्लों में इंशाल्लाह पैदा फरमाएंगे। आपने नहीं सुना इमाम खलील अल महमूद, खलील महमूद अल हुसरी, या आप नाम जानते हैं, क़िराअत की दुनिया का बहुत
बहुत मशहूर शख्स शेख अब्दुल बासित, शेख मोहम्मद सिद्दीक अल मिनशावी, उनकी शागिर्दी रखते हैं। इतकान में शेख अल हुसरी का जवाब नहीं, तलफ़ुस के कमाल में शेख अल हुसरी का जवाब नहीं। ये शेख खलील अल हुसरी जो हैं, उनके वालिद का काम क्या था? हुसर, उनके वालिद का काम क्या था? हम अपने उन बुज़ुर्गों की खिदमत में ये वाक़या इसलिए सुना रहे हैं कि आप अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च कर रहे हैं, इल्म की इशाअत में जो कुछ खर्च कर रहे हैं, मेहमानान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप जो कुछ पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह इसका सिला दुनिया में भी आपको पाना है और आखिरत में भी पाना है। ये शेख खलील अल हुसरी के वालिद, उनका तो पेशा था चटाइयाँ बनाने का, चटाई बनाते थे वो, जो घास फूस की चटाई हुआ करते थे वो बनाते, उस ज़माने में वही चलती थी। और कहा वो मुख्तलिफ़ मसाजिद में तशरीफ़ ले जाते और जब देखते कि किसी मस्जिद की चटाई जो बहुत पुरानी हो गई है, बोसीदा हो गई है और नई की ज़रूरत है, तो बिना किसी से कहे हुए अपने घर से बनी हुई एक नई चटाई ला के उस मस्जिद में बिछा दिया करते थे। उनका काम ही ये था। वो कारी नहीं थे, वो इतने बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन उनका काम ये था कि अल्लाह के घर की खिदमत इस तरह किया करते। वो एक मौत ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में क्या देखा कि उनका जो गुड़िया है, स्पाइनल कोड है, मन के कमर के जो मन के हैं जिसको स्पाइनल कोड कहा जाता है, तो उसमें जितने स्पाइंस होते हैं, तो उन्होंने देखा कि हर एक मन का गुड़िया वो अंगूर का एक खोशा बना हुआ है और बहुत बड़ी तादाद के लोग उस खोशे से अंगूर चुन के खा रहे हैं। वो ये समझने पर ये क्या चीज़ है कि हमारे मन के हैं वो अंगूर का खोशा बना हुआ है, उसमें बहुत से अंगूर लगे हुए हैं, सब उसको खा रहे हैं। एक मतवा ख्वाब देखा, दूसरी मतवा देखा, तो उन्होंने देखा कि ये अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अल्लाह के एक नेक बंदे के यहाँ, एक आलिम दीन के यहाँ गए और उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी कि ये क्या ख्वाब है। ख्वाब सुनने के बाद उन्होंने फरमाया कि क्या आपके यहाँ औलाद है? कहा जी बहुत छोटा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है। तो कहा ऐसा कीजिए कि आप अपने इस बच्चे को जामे अजहर में दाखिला दिला दीजिए, काहिरा के जामे अजहर में दाखिला दिला दीजिए। ये बच्चा बहुत अच्छा आलिम होगा और पूरी दुनिया से खूब इज्जत पाएगा। चुनांचे जब शेख खलील अल हुसरी जो बच्चे थे उनकी उम्र 4 साल की थी, तो उनके वालिद ने अपने ही बस्ती में, अपनी आबादी में उनको दर्जे हिज्ब में दाखिला दिला दिया 4 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में हिज्ब मुकम्मल कर लिया। फिर तंता का जो इलाका है वहाँ उन्होंने किराज शुरू की और इब्तदाई उलूम शुरू किए। वहाँ से फरागत पर फिर उन जामे अजहर में उनका दाखिला करा दिया। नतीजा ये होता है कि अल्लाह का ये बंदा ऐसा इल्मी कमाल, ऐसी मकबूलियत और ऐसी शोहरत हासिल करता है। लिखा है कि मिस्र का कोई कारी बाज इम्तियाजात में उनकी हमसरी नहीं कर सका है। नंबर एक, अमेरिका के वाइट हाउस में सबसे पहले जिसने किराअत की है वो शेख खलील अल हुसरी है। यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले जिसने किराअत की है वो शेख खलील अल हुसरी है। सबसे पहले रिवायत हस में कुरान करीम मुकम्मल जिसने रिकॉर्ड किया है वो शेख खलील अल हुसरी हैं। ये सब क्या हुआ? उनके वालिद तो आलिम नहीं थे, उनके वालिद तो कारी नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अल्लाह के घर की ऐसी खिदमत की थी, हमारे वो बुजुर्गाने दीन समझें जो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, मदारिस की खिदमत कर रहे हैं, मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की निगाहों से देख रहे हैं और उनकी खिदमत में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पेश करने को अपने लिए शर्फ ख्याल कर रहे हैं, वो इसका यकीन रखें कि आपकी एक एक पाई इंशाअल्लाह अल्लाह की यहाँ बहुत कदर मंजिलत रखती है और आपका इसका बहुत अच्छा सिला दारेन में मिलना है। अल्लाह ताला हम सब की इस मिलजुल कर बैठने को और कुरान करीम के लिए इस जा खपाई को शर्फ कबूल अता फरमाए और इसको हमारे मीज़ान अमल में फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।